ओके हां स्टार्ट कर लिया आपने? हां जी सर कर लिया स्टार्ट। ओके तो मैं प्रेजेंट करना स्टार्ट कर रहा हूं। हां एक बार में एक ही विंडो प्रेजेंट कर सकते हैं ना? आई थिंक सो। हां मतलब आप स्क्रीन आप शेयर कर सकते हैं ना उसमें? अच्छा हां स्क्रीन तो शेयर कर सकते हैं। आप कंप्लीट स्क्रीन शेयर कर दीजिए तो उसमें बेटर रहेगा आई गेस। विंडो में प्रॉब्लम आ रही है। नहीं नहीं आपका तो मुझे विंडो में बताना है ना, तो मैं विंडोज के थ्रू कर सकता हूँ। तो मैं एक चैप्टर ओपन करता हूँ। जैसे कि ये लाइव चैप्टर है, तो जब कंसेप्ट बताना होता है स्टूडेंट को कि लाइट कैसे वर्क करता है, या फिर एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं कि विजन का प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल मायोपिया है, मायोपिया के लिए ह्यूमन आई चैप्टर में जाना होगा। ह्यूमन आई तो मायोपिया में जो होता है वो नियर साइटेडनेस होता है, मतलब कि दूर की चीजें नहीं दिखती है, जो कॉमन आजकल हो रहा है स्टूडेंट्स को, या स्टूडेंट्स को भी हो रहा है, लोगों को भी हो रहा है। तो ये है, ये वाला मायोपिया वाला प्रॉब्लम है, जिसमें कि जो इमेज है वो यहाँ बन रही है जो कि रेटिना में बनना चाहिए। दिस इज दैट रेटिना थिंग। ओके अब ये स्टूडेंट्स को बताना है कि ये कैसे हो रहा है, या फिर अगर हम लेंस लगा रहे हैं तो इससे फोकल लेंस कैसे स्टार्ट हो जा रहे हैं, उसके लिए विग्नम का ये काफी अच्छा है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लेंस लिया है और हमें जो इमेज है उसको दो लेंस आना मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक लेंस ही बता सकते हैं। यूज कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं उसको। पार्डन यू कैन यूज कॉम्बिनेशंस आल्सो सर, लेफ्ट साइड में जाए। ओह ये तो अच्छा है, ये मैंने देखा नहीं था। चलिए तो और अच्छा है। ये पहले था क्या ऑप्शन? हाँ सर अभी लाइक लेटेस्ट अपडेट में रिलीज। हाँ न्यू है, पहले नहीं था। ओके ठीक है तो इसे हम समझते हैं। पहले विदाउट कॉम्बिनेशन भी बताता हूँ, सिंपल में बताता हूँ। लाइक ये हमारा आई है, ह्यूमन आई, और हमें चाहिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो लेट्स से रेटिना का डिस्टेंस ये है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। लेकिन वो बन रहा है क्योंकि वीकनेस की वजह से, जो मसल होते हैं उसमें वीकनेस हो जाता है, उसकी वजह से वो जो इमेज बन रहा है वो यहाँ बन रहा है। देखिए तो ऐसे में हमें ऐसे शो करना होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्टूडेंट के आई के नियर बाय आ रहा है, मतलब जो प्रॉपर डिस्टेंस है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो क्लोज रहा तब तो इमेज बनती है। देखिए जब मैं ऑब्जेक्ट को क्लोज ला रहा हूँ तो इमेज इधर जा रहा है, 2f इधर जा रहा है। तो क्लोज वाली ऑब्जेक्ट तो दिखती है लेकिन दूर वाली में इमेज नहीं बनता है। तो ऐसे में क्लोज में लाने के लिए हम कॉन्केव लेंस को यूज करते हैं, और इससे जो है हम ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसे चेंज कर सकते हैं, इमेज का डिस्टेंस। तो ये देखिए जो इमेज है वो देखिए उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है और इसके थ्रू एडजस्ट किया जाता है, और वो इस चैप्टर में दिखाया गया है। तो हम यहाँ से सिमुलेशन से लाइव देख सकते हैं कि डिस्टेंस चेंज करने से लेंस का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके इमेज पर। ये एक ऑप्शन है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और स्टार्टिंग में जब स्टूडेंट्स को बताना होता था कि मैथ की जरूरत क्या है लाइफ में, तो उसके लिए आपका एक बहुत अच्छा सिमुलेशन है एरिया वाला। प्रियांश जी आई शुड यूज इंग्लिश और हिंदी, विच वन यू प्रेफर? आपकी जो भी सर प्रेफर्ड लैंग्वेज है वो चलेगी। ओके आपसे तो हिंदी में ही बात करता हूँ तो हिंदी कंफर्टेबल रहेगा। हो सकता है कभी इंग्लिश में भी स्विच हो जाओ, क्योंकि यूजुअली मैं इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करता हूँ। कोई दिक्कत नहीं सर, आप जो भी चलेगा। सो लेट्स सी। नाउ इन दिस वन वी हैव टू फाइंड हाउ मच वी नीड पेन
to completely paint this entire area. And by leaving this window thing. So right quantity paint ka kya hoga? अब यूजुअली अगर हमने कोई भी रैंडमली चूज कर लिया तो इट माइट बी डिफिकल्ट, लेकिन अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इजी हमें आइडिया आ जाएगा. तो यहाँ पर सिंपली हम देख सकते हैं 70.50 फीट का ये वेट है और ये हाइट भी 17.50 है ऑलमोस्ट. तो इसका जो एरिया रहेगा वो 17 के स्क्वायर रहेगा, लेकिन अगर हमें फिर से यहाँ पर ये विंडो वाला माइनस करना है विंडोज पार्ट, तो फिर क्वेश्चन है कि कौन सा चूज करना है. अब स्टूडेंट्स को इसकी ये एक एग्जांपल दे सकते हैं लाइव और उन्हें बोल सकते हैं कैलकुलेट करो, या फिर मैं उन्हें सिखा सकता हूँ कि कैलकुलेट कैसे करना है, उन्हें इंटरेस्ट आएगा उसकी वजह से. तो अब देखिए यहाँ पर उसका व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन नहीं है, दैट्स द इशू, लेकिन कोई बात नहीं मेरे पास है उसका ऑप्शन. ये वाला कट कर दीजिएगा जो मैंने व्हाइट बोर्ड वाला बोला. जी 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 कोई. तो 17.50 इनटू 17.50 वी गेट द एरिया, वी गेट द एरिया माइनस अगेन दिस विंडो. सो 10.5 इनटू 7 इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 70 एंड दिस 9 एंड 7 इट विल बी 11 वन मिनट. मैं लाइव कर रहा हूँ, मैंने इसको ये रैंडमली क्वेश्चन आ गया. जी 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 सही है सर. सो ओके 7 एंड 1 सो ऑलमोस्ट वी गेट 9 8 189 ना 289 289 minus 70. So 289 minus 70. Obviously you can see this is the option you are getting. And let's put that one to check and whether it's getting correct or not. So let's choose this one. Yeah. It worked. So इससे student को काफी अच्छा एक idea आ जाएगा कि real life में math का ये शुरुआत में भी मैंने किया था ना, बहुत amazing लगा था. कि रियल लाइफ में मैथ का कैसा यूज है. तो अभी मैंने और इसके क्या था, अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिखाया जा सकता है स्टूडेंट को. ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये अच्छा है और ऐसा ही और रहेगा तो और अच्छा रहेगा. तो यहाँ पर उन्होंने किया है एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ द ऑब्स्टेकल. मैंने अप्रोक्सीमेशन से आइडिया ले लिया और हमारा आंसर था 232.75. यहाँ पर भी आंसर आ रहा है. अब ऐसे ही कुछ और चैप्टर्स होते हैं जिसमें कंसेप्ट समझना डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए, जैसे लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रेक्शन, ये सब कैसे वर्क करता है. या ये जो है, अब ये डायग्राम दिखा देते हैं कि लाइट आ रहा है फिर कहीं जा रहा है, कहीं से एक लाइट आ रहा है, या फिर एक दो तीन लाइन से एक्सप्लेन करते हैं बुक में कि लाइक ये दो लाइन से कि इमेज कैसे फॉर्म हो रही है. स्टूडेंट्स को थोड़ी ना समझ में आएगा दो तीन लाइन देख करके कि इमेज कैसे फॉर्म हो रही है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में वो कैसे इमेज फॉर्म हो रहा है फोकल पॉइंट में उसके बारे में दिखा रहे हैं क्योंकि इंफिनिटी से लाइट आ रही है. या फिर दूसरा अगर हम कहें ऑब्जेक्ट थोड़ा सा दूर है और इमेज जो बन रहा है ये ए और बी यहाँ पर इमेज बन रहा है इस पोजीशन पे, लेकिन जब हम आपका ये वाला यूज करते हैं जो सिमुलेशन है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट देख सकता है कि देखो जो ऑब्जेक्ट है अगर वो 2f को सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं तो 2f से अगर दूर जा रहा है then the object will be coming in between f and 2f, जहां पर f जो है focal length है, ये है focal length. और ये focal length वो होता है जहां पर कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से आने वाली लाइट रे फोकस हो जाती है, जो एक होता है ना एग्जांपल जिसमें हम सनलाइट से किसी चीज को बर्न करते हैं. जी जी. जैसे यहाँ पर देखिए मैंने फोकल लेंथ पे रख दिया तो ये स्ट्रेट पैरेलल लाइन जा रही है, मतलब कि इनफाइनाइट पर जाएगी. तो जिस पोजीशन पे इनफाइनाइट लाइट रे मीट होती है वो फोकल लेंथ होता है. और इसकी वजह से मैं स्टूडेंट को इजीली बता सकता हूँ, ये बहुत अच्छा है. और ऐसी ही कुछ और चीजें मुझे काफी अच्छी लगी, जैसे कि एक चैप्टर है सीबीएसई में लाइट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी,
अब कहने के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी में कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन उसे समझे कैसे, स्टूडेंट कैसे समझे, जैसे कि एक होता है राइट हैंड रूल, डीसी मोटर कैसे काम करता है, या फिर राइट हैंड थंब रूल. सो यहाँ पर सिमुलेशन काफी हेल्पफुल होता है स्टूडेंट्स को उसका एग्जैक्ट मीनिंग बताने के लिए. इसमें नहीं है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसमें भी काफी कुछ है इलेक्ट्रिसिटी में भी, लेकिन मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट वाला ओपन करके रखा था सिमुलेशन ऑलरेडी, ये वाला. जी जी. जो मैं YouTube में दिखता हूँ और अभी जो मैं लाइव दिख रहा हूँ, दोनों में कुछ डिफरेंट है? डिफरेंस है, वैसा ही हो? नहीं नहीं सर, सेम ही है. आप भी मेरे एक फ्रेंड की तरह दिख रहे हैं. जी. तो अभी घर में है या ऑफिस में है? ऑफिस में ही है सर. हाँ, ये आगे चैप्टर. और यहाँ पर काफी हेल्पफुल होता है ये सभी सिमुलेशंस बताने के लिए स्टूडेंट्स को. मैं सारा फ्लो फ्लो में कर रहा हूँ, तो बहुत कुछ एडिट करना पड़ सकता है आप लोगों को. ये राइट हैंड रूल, अब ये कहने के लिए तो लाइक उन लोगों ने बता दिया, ये तो लेफ्ट हैंड वाला है, राइट हैंड में भी रहता है. अच्छा हाँ, राइट हैंड जनरेटर के लिए रहता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है, और लेफ्ट हैंड होता है मोटर के लिए, डीसी मोटर. तो डीसी मोटर में अगर करंट का डायरेक्शन हमारा जो ये फिंगर है, सेकंड फिंगर, अगर ये करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर के डायरेक्शन में है, तो थंब के डायरेक्शन में जो मोटर है वो रोटेट होगा. अच्छा. अब ये बताने के लिए लाइक स्टूडेंट्स बोलेंगे ये क्या है सर, हमारे हाथ से तो ऐसे मोटर रोटेट नहीं होता है, हमें तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना. तो इसमें बुक में कुछ दिया गया है, लेकिन इसे देखकर उन्हें क्या ही समझ में आएगा. दो तीन लाइन दे दिए गए हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट्स डायरेक्टली देखेंगे कि देखो ये ऐसे हो रहा है, कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, right. और यहाँ पर आप डायरेक्शन देख सकते हैं उन चीजों का, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्थ नॉर्थ और साउथ पोल है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों पोल. और यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स का डायरेक्शन दिया गया है एरो के थ्रू, फोर्स का डायरेक्शन है, काफी अच्छे से वो फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है, और उस डायरेक्शन में वो मोटर रोटेट हो रहा है. जी. तो यहाँ पर स्टूडेंट को ये सेम टू सेम वो जो बुक वाला है वही है, लेकिन कितना ईजी अब पता चल जा रहा है कि हाँ ये ऐसे वर्क करता है. तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है. और यहाँ हम सिमुलेशन के थ्रू उन्हें समझा सकते हैं कि देखो ये ऐसे काम करता है. तो जैसा कि मैंने फोर्स का डायरेक्शन बता दिया, अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी एक लूप बना रही है यहाँ पर कॉपर कॉइल से, और वो लूप जो है इस मोटर को अफेक्ट कर रहा है. तो जैसे यहाँ पर सिंगल लूप बताया गया है बुक में, लेकिन सिंगल लूप से उतना पावरफुल मोटर तो बनेगा नहीं. तो इसके लिए यहाँ पर मल्टीपल लूप बनाया गया है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है यहाँ पे. दैट्स इट. तो ये काफी हेल्पफुल है स्टूडेंट्स को समझाने के लिए दैट इट वर्क्स दिस वे. तो ये मैंने कुछ सिंपल चीजें ओपन करके रखी थी बताने के लिए. अगर आप बोलेंगे और इसके फीचर्स बताओ तो और बहुत कुछ. हाँ, ट्रिग्नोमेट्री भी स्टूडेंट्स का बहुत सर खाता है. तो वैसे तो मैंने इसको अच्छे से चेक नहीं किया था, देखते इसमें क्या क्या ऑप्शन है. हाँ हाँ, चेक किया था मैंने.
ट्रिग्नोमेट्री में यूजुअली बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन आता है आप इसमें सर हाइट कंट्रोल कर सकते हैं जैसे बिल्डिंग की और टीचर को एग्जैक्टली मूव कर सकते हैं. एग्जैक्टली सो टीचर को आप मूव कर सकते हैं, टीचर को ट्रैक. नहीं तो लिमिटेड ही है लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते. आई थिंक बिल्डिंग को कर सकते हैं. हाँ बिल्डिंग की हाइट कर सकते हैं. एक मिनट थोड़ा रुकिए. तो लेट्स से ये 12 मीटर का डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट है और ये 5 मीटर हाइट पर और यहाँ पर एक एंगल है. आई थिंक ये 13 होना चाहिए, 30 होना चाहिए. हाँ वो 30 में ही होगा सर. जो भी हो एंगल ऑफ डिप्रेशन का भी बता सकते हैं इसको. हाँ एंगल तो बता सकते हैं लेकिन 30 पे ही होगा वो. 30 पे दिखेगा. हाँ 30 पर होना चाहिए. तो मतलब वो वर्क 30 पे करेगा वो. रुकिए मुझे थोड़ा गेस कर लीजिए कितने पर होना चाहिए. चलिए ट्रिग्नोमेट्री से मालूम हो ही जाएगा. तो हमें एंगल, बेसिकली हमें एंगल नहीं मालूम है और हम एंगल फाइंड करते हैं. ऐसा हम मान लेते हैं कि हमें एंगल नहीं मालूम है, इन दोनों का एंगल क्या है. सो लेट्स सी, उन्होंने कुछ क्वेश्चन दिया है इन द बुक. दे सेड दैट अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन, ठीक है इसका क्या है, ये क्यों नहीं आ रहा है. पेन टैब यूज कर रहे हैं. हाँ हाँ वो फिर आपको सर माउस से यूज करना पड़ेगा. अच्छा ओ चलिए ठीक है कोई बात नहीं. मेरा जो ऑप्शन है उसमें कर लेता हूँ. कलर कोई भी ले लेते हैं. ये कलर दिख रहा है, दिख रहा है. सो लेट्स से गिवन अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन हाइट. Equal to 5 meters on a building, and your distance from that person distance equal to 12 meters. ये उन्होंने कहा है. अब उन्होंने कहा है you have to supply a cable or you have to get a cable for giving some internet connection. So find the distance of a wire, a straight wire, from the person
टू यू. तो बेसिकली इन दोनों को जो कनेक्ट करने वाला ये जो स्टेट केबल होगा, इसका डिस्टेंस क्या है, ये उन्होंने पूछा है. तो इसमें हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको इजीली सिमुलेट कर सकते हैं कि इट्स लाइक दिस, ये इसमें काफ़ी अच्छा फीचर है. और देन वी कैन जस्ट अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम. ये क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा ये वाला. सो डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे सी स्क्वायर भी कहते हैं पर डायगोनल के लिए मैंने डी स्क्वायर कह दिया. सो दैट विल बी इक्वल टू ए ट्वेल्व स्क्वायर प्लस 25, दैट्स 144 प्लस 25, वी गेट 169, दैट इज द डी स्क्वायर. एंड इफ वी डू रूट ऑन बोथ साइड वी गेट डी इक्वल टू 13. तो ये हो जाएगा 13. तो इससे हमें ये एक पता चलता है. दूसरा, हम इससे एंगल भी फाइंड कर सकते हैं कि ये जो एंगल है इसका ये क्या रहेगा. तो इसको हम अभी के लिए कहते हैं एंगल ए. एंड दिस वन विल बी परपेंडिकुलर, दिस पोर्शन विल बी परपेंडिकुलर, सो लेट्स कॉल इट पी. एंड दिस इज द बेस बी, सो वी गेट परपेंडिकुलर बाय बेस 10 थीटा. 10 थीटा और 10 ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास 5 और बेस की वैल्यू है हमारे पास 12, जो कि 5/12 है. ये इजीली तो कट नहीं होगा, लेकिन हमारा नियर बाय 1.2 आ रहा है नियर बाय. तो ट्रिग्नोमेट्री के हमारे पास कुछ वैल्यूज होते हैं. टेबल बनाओ तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा ना. 30 डिग्री है डायरेक्टली बना दो, इमेज क्लिक करके दिखा दो स्टूडेंट्स को, लाइक यू कैन क्लिक इमेज ऑन 30 डिग्री. यूजुअली मैं स्टूडेंट्स को टेबल बनाकर ही बता देता हूं. हाँ, यहां पर अच्छा ये हां नीचे आप मतलब एंगल 30 पे करके क्लिक इमेज कर दीजिए. अच्छा वो कह रहे हैं वन मिनट. सो व्हाट वी कैन फाइंड इट is near to, ये जो है similar to 1/√3 के close आ रहा है. क्योंकि इसमें 30 degree जो होता है 10 30 degree, ये 1/√3 आता है and this is close. यहाँ पर एक छोटा सा minor difference है, मतलब exact नहीं आ रहा है. exact के लिए भी मैं थोड़ी देर में बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर हमें इतना पता चल गया कि जो degree है वो 30 के near by रहेगा. और अगर हम इसको यहाँ पर ले जाएंगे, मूव करेंगे, तो ये भी 60 से काफ़ी नीचे रहेगा, 0 से काफ़ी ऊपर रहेगा, यानी 30 के नियर बाय रहेगा. सो इट्स इन बिटवीन दैट, यू कैन इजीली ऑब्जर्व. एक और एग्जांपल लेते हैं. इमेज भी आप क्लिक कर सकते हैं फिर इसमें, क्लिक इमेज का जो बटन है. कौन सा ये? नीचे नीचे. अच्छा ये, ओ ट्रायंगल इज 22.6. ओ ये तो काफी अच्छा है जी. और हमारा आंसर था फॉर आवर ट्रायंगल द हाइट 5 द बेस 12, सो वी कैलकुलेट द एंगल 10 इनवर्स 1 दैट इज हाइट द बेस और 1/10 दिस गिव्स अस द करेक्ट एंगल 22.61. Your angle was 25 degree compared to this with the correct angles to see how you did. ये तो काफी अच्छा है जी. 22 पे अभी
इमेज क्लिक कर गए लेकिन इसको स्ट्रेच नहीं कर सकते ना। हाँ यहाँ पे आप इमेज क्लिक कर लीजिए। वाह स्टूडेंट की इमेज। अच्छा शो पर क्लिक करना है। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस आ रहा है लेकिन एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा है। ऐसे हम बहुत सारे दूसरे भी एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। जी तो 30 डिग्री लेते हैं। यहाँ पे आप हाइट भी कैलकुलेट करवा सकते हो कि ये 30 डिग्री है और 12 मीटर मेरा डिस्टेंस है तो हाइट बताओ। इसको मुझे डिटेल में चेक करना पड़ेगा। आई थिंक स्टार्टिंग वाले काफी अच्छे थे। कुछ बायोलॉजी के देख लेते हैं जी। लेकिन ये जो इमेज क्लिक वाला ऑप्शन है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। इसमें नया क्या ऐड किया आपने? अभी वेक्टर वाला करा है जो रियल लाइफ एप्लीकेशन। बायोलॉजी में आपको प्लांट सेल वगैरह मिल जाएगा। हाँ फोटोसिंथेसिस। हाँ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का बहुत अच्छा है आप वाले में। सो वी कैन शो द स्टूडेंट हाउ डज इट वर्क। इसमें सिमुलेशन काफी अच्छा है। इसका तो यूज भी किया था मैंने जी। हाउ डज द प्लांट हेल्प अस। ये स्टोमेटा है बेसिकली प्लांट्स के नोज की तरह। और यहाँ पर CO2 ले रहा है O2 छोड़ रहा है डे में। देयर इज इन द नाइट it does the opposite thing but not at the same rate, it does it slowly comparatively. क्योंकि night में उसे plant को इतनी energy नहीं चाहिए होती है, just to stay alive, थोड़े बहुत life process के लिए energy चाहिए होता है, तो कम oxygen लेता है और कम carbon dioxide छोड़ता है, जबकि day time में ये बहुत सारा oxygen produce करता है, और day time में हम देख सकते हैं कि there is sunlight coming, it's getting carbon dioxide and water from the root. So this simulation tells us how the plant help us to get not just our oxygen, also how nicely they produce the food for us. ये वाला काफी interesting बना देता है इस चीज को। मुझे अच्छा लगा था ये वाला। और इससे पहले जो मैंने एक दो बताए थे, हाँ ये वाला काफी helpful था, जिसमें मैं students को बहुत अच्छे से समझा सकता था कि डिफरेंट एक तो स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये होता था ना कि जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास ये वर्क करता कैसे है सर। ये कैसे इमेज को मैग्नीफाई करता है। जब मैं उनको लाइव यूज करके दिखाया कि ये देखो ऑब्जेक्ट को मैं जैसे जैसे इसके हिसाब से पोजीशन कर रहा हूँ वैसे वैसे हमें इमेज बड़ा मिल रहा है। right. तब उनको समझने में आसान हुआ ओके इट वर्क्स दिस वे। तो ये काफी हेल्पफुल हुआ मुझे स्टूडेंट्स को बताने के लिए। प्लस इलेक्ट्रिसिटी वाला तो मैंने बताया ही था। इसे देखने के बाद उन्हें आइडिया हो कि जो बुक में लिखा होता है वो जस्ट कुछ ऐसे ही आड़े तेरे डायग्राम नहीं होते हैं और बंच ऑफ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं होते हैं जी, बल्कि रियल लाइफ में वो यूजफुल होते हैं। तो इसे देखने के बाद उन्हें आइडिया हुआ था। तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे विंगडम में मुझे हेल्प होता है, इसलिए मैं तब से जाकर के विंगडम को कंटिन्यू यूज ही कर रहा हूँ जी। लेकिन एक साथ और ये वाला इंटरेस्टिंग बना देता है मैथ को। और भी देखता हूँ, मैंने यूज़ तो बहुत सारा किया और बताया भी बहुत सारा है लेकिन सडनली सारे आ रहे हैं थोड़े डिफिकल्ट है। साइंस का देखते हैं कुछ। डिस्पर्जन आपने किया होगा। डिस्पर्जन किस चीज का? अच्छा लाइट लाइट रेज डाइवर्जन। हाँ ये रहा नीचे ही। अच्छा ये वाला ना। हाँ ओके इसको डिस्पर्जन लिखा आपने। दोनों ही कह सकते हैं वैसे तो, इट डाइवर्ट्स द लाइट रेज़ सो दैट आल्सो कैन बी सेड।
डेफिनेटली ये रेनबो फॉर्मेशन में हेल्पफुल है. स्टूडेंट्स को जब डाउट होता है कि सर रेनबो कैसे स्काई में फॉर्म होता है, तो ये इसके थ्रू एक्सप्लेनेशन काफी हेल्पफुल हो जाता है. दैट द प्रिज्म विच कैन बी दिस सेम इफेक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अ ड्रॉपलेट आल्सो. द ड्रॉपलेट वर्क्स लाइक प्रिज्म इन द स्काई एंड वी गेट द रेनबो फॉर्मेशन. तो ये मैंने यूज किया था. माइटोकॉन्ड्रिया भी. और हाँ, सबसे बेस्ट एक जो है, मैं कैसे बताना भूल गया, रिएक्शंस. एसिड बेस्ड रिएक्शन रिएक्शन बिल्डर है ना, रिएक्शन बिल्डर बहुत जबरदस्त है. कॉम्बाइन ऑर्गेनिक एडिशन रिएक्शन. हाँ, जैसे एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल ले सकते हैं, या एडिशन डिकम्पोजिशन कंबशन एडिशन डिस्प्लेसमेंट, ये सारे रिएक्शन बिल्डर में आपको कंबाइंड मिल जाएगा. राइट में अच्छा सब मिल जाएगा. ये ऑर्गेनिक वाला है, एक इनऑर्गेनिक भी है, मतलब दोनों टाइप के निकाले. जो बुक में एक कॉमन आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम उसके रिएक्शन होते हैं यूजुअली. यहां ब्रोमोमीथेन, नहीं ब्रोमोमीथेन वाला है वो आपको सर. इफ यू वांट इनऑर्गेनिक रिएक्शन देन वो आपको दूसरा यूज करना पड़ेगा. ओके नीचे है, नीचे वाला रिएक्शन बिल्डर है. ये कॉमन आता है बुक में, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड वाला भी आता है. आई थिंक इसमें हीट का वर्क होगा. हाँ, हीट, इसको हीट बर्नर से हीट ऑन करना. तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को बहुत इजीली दिखा सकता हूँ कि डिकम्पोज कैसे होता है. And how just by providing the sunlight or UV rays, we can get the silver, purified the silver. तो ये काफी अच्छा है. और इसमें मैंने कई सारे किए भी थे. Precipitate form हो गया. इस precipitate तो Ag ही है, silver ही है. इसमें recycle का button कौन सा है? मतलब इसका नीचे. H2SO4 plus calcium hydroxide. हाँ, acid base reaction. ये भी काफी अच्छा है, जो स्टूडेंट को लाइव बताने के लिए कि एसिड कैसे बेस को न्यूट्रलाइज करता है. सो वी आर टेकिंग 5 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. And just let's add this. So this we can see how water forms, the part of neutralization reaction, how the salt form. This is the salt, calcium sulfate, CaSO4. This white one is Ca. O4, this blue are the oxygen, S is the sulfur, and excess CaOH2, extra calcium hydroxide is there. तो इसकी वजह से काफी हेल्प हो जाता है स्टूडेंट्स को. एग्जैक्टली जब स्टूडेंट देखते हैं ना कि लाइव में हो रहा है और एटम्स मूव हो रहे हैं, मॉलिक्यूल हो रहा है, तो उनकी एक्साइटमेंट जो होती है वो लाइक नेक्स्ट लेवल होती है. और जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है एज अ टीचर कि देखो ये ऐसे मूव कर रहा है, वो अलग ही होता है. इसको अगर लाइव क्लास के टाइम में आपको दिखा पाता है, या आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं, उसमें भी थोड़ा अच्छे से बता पाता हूँ मैं. जी जी.
ऐसे जस्टिस सेपरेटली बताने में एक साथ वो चीज नहीं आ पा रही है उतने अच्छे से, लेकिन ये रियल जब यूज करो ना तो इसका अलग ही इफेक्ट होता है। और प्लस कुछ चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं जो बच्चों के पल्ले नहीं पड़ती कि चल क्या रहा है या हो क्या रहा है, तो उसमें भी काफी हेल्पफुल होता है ये। ठीक है सर, समझ गया। आई गेस सही है सब कुछ। एंड कर सकते हैं? नहीं, एक मैं ढूंढ रहा था बताने के लिए, अच्छा है वो। जैसे सोडियम जो होता है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट से हम काफी कुछ डिफरेंट टाइप के सोडाज बनाते हैं, तो उसका रिएक्शन भी बताने के लिए हम इसको काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं। समझ। जैसे अगर हम सोडियम सल्फेट का BaOH2 के साथ रिएक्शन करते हैं, लेट्स डू इट, तो हमें मिलता है कॉस्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक एज अ बेस हम यूज कर सकते हैं। तो इसे देखकर स्टूडेंट को अच्छा खासा आइडिया हो जाता है। आई थिंक काफी इनफ मैंने बता दिया। जी जी। कितना टाइम हुआ? पता नहीं सर, देखना पड़ेगा एक बार। बाकी सर आपका रिकॉर्डिंग चालू है ना? रिकॉर्डिंग में तो आ जाएगा ना? रिकॉर्डिंग चालू है। एक मिनट रिकॉर्डिंग तो ऑन है। तो आपका सर ओवरऑल एक्सपीरियंस, आपको अगर स्केल करना हो 1 to 10, तो आप मतलब क्या करोगे? मतलब 1 से 10? मैं 8 और 9 के बीच में दूंगा, 8.5। समझ। इसलिए 1.5 जो है एक्चुअली तो काफ़ी अच्छा है जो इस समय अवेलेबल है भारत, तो मुझे ऐसा कोई नहीं दिखा, तो उसके हिसाब से तो मैं 10 कहूँगा। लेकिन मैं आपको इंटरनेशनल लेवल पे कंपेयर करता हूँ, तो इसलिए मैंने 1.5 जो है उसके लिए जो है वो और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ठीक है सर। तो क्योंकि क्योंकि जितना ज़्यादा हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे उतना ज़्यादा यूजफुल रहेगा, और जितना ज़्यादा वो यूजफुल रहेगा उतना उसका डिमांड भी बढ़ेगा, और टीचर के लिए भी, मेरे लिए भी यूजफुल रहेगा। मेरे लिए यूजफुल रहेगा तो मेरी भी डिमांड बढ़ेगी। ये म्यूचुअली काफ़ी बेनिफिशियल होगा। जैसे मैंने कहा था ना वाइट बोर्ड का ऑप्शन, तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, उस दिन मैं आपसे बता रहा था एक बार वाइट बोर्ड का ऑप्शन। तो जैसे आपने देखी यहाँ पर सामने ही सिमुलेशन का ऑप्शन है, क्लिक किए तो आ जाएगा। लेकिन ऐसा व्हाइट बोर्ड के लिए एक ऑप्शन दे देंगे इधर या डैशबोर्ड में कहीं भी, और एक ऑप्शन आप दे देंगे ये नोट टेकिंग के लिए, नोट सेट के लिए, तो ये सोने पर सुहागा हो जाएगा। समझ। सोने पर सुहागा, आजकल नया चेरी ऑन केक बोलते ना, चेरी ऑन टॉप, तो वैसा ही हो जाएगा ये। करते हैं सर, वो भी मतलब कोशिश करेंगे वो भी लेके आए। मतलब मैंने बस फीडबैक दिया, वो टाइम लग सकता है उसमें, दैट्स ओके। हाँ मतलब अभी तो सर प्रॉपर फोकस हम सिमुलेशन पर ही शिफ्ट कर रहे हैं, तो पूरा मतलब जो भी देखिए आप एक बार अपने टीम को बताइए, क्योंकि व्हाइट बोर्ड आपका ऑलरेडी है, ये छोटे से कोचिंग का मैटर है। सेपरेटली व्हाइट बोर्ड बनाने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट एक लिंक देने की जरूरत है। आपने देखा है ना मीरो? मीरो वो बोर्ड आता है ना, व्हाइट बोर्ड। हाँ, मीट के साथ भी शायद उनका है ना सर। मीट के साथ अब हर बार टीचर गूगल मीट थोड़ी ना ओपन करेगा। जैसे ये वाला, ये मीरो का ही है, ये भी मीरो का ही ऑप्शन। तो इसमें इनके पास क्या स्पेशल है, जस्ट व्हाइट बोर्ड के ऑप्शन दे रखे हैं।